काली। हर व्यक्ति खोजी है, कुछ को धन की खोज है, कुछ को प्रतिभा की, कुछ को प्रेम की और कुछ शांति खोज रहे हैं। सौभाग्यशाली वे हैं जिनमें ईश्वर खोज की इच्छा प्रबल होती है। इसके लिए वे भौतिक कर्म करते हुए अपनी साधना करते रहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं भाई गुरु महेश जी। वे 25 वर्ष तक अपना पारिवारिक जीवन निभाते हुए ईश्वर संग एकीकरण के लिए प्रयास करते रहे। आखिरकार माँ काली और महादेव ने उन पर कृपा कर उन्हें अपने संग योग प्रदान कर ही दिया। सन 2017 में भाई गुरु महेश जी ने शिव काली बोध आध्यात्मिक प्रणाली का प्रचार आरंभ किया। तब से इस प्रणाली के अनुसरण से कई साधकों की कुंडलिनी जागृत हो गई है और उनके जीवन परिवर्तित हो गए हैं। आइए भाई गुरु महेश जी से जानते हैं कि माँ कुंडलिनी के जागरण से हमारे बच्चों में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आप सब साधकों को मेरा प्रणाम। कुंडलिनी योग द्वारा जीवन परिवर्तन के पहले अध्याय में हम ये जानेंगे कि माँ कुंडलिनी के जागरण से बच्चों के जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएं, हम बड़ों की इज्जत करें, वो बुरी संगत में ना पड़े, बुरे वचन ना बोलें और अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखें। यही तो हमारी उम्मीदें हैं बच्चों से। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं हम ये चीज़ बच्चों को या तो समझा नहीं पाते या बच्चों की कुछ आंतरिक ऊर्जाओं की कमी के कारण वो हमारी बात नहीं समझ पाते और हमारा उनका जो ये जो डिस्टेंस है इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे से दूर हो जाते हैं और वो हमारी किसी भी उपेक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। हम बहुत दुखी हो जाते हैं इसके कारण। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो अंदर की शक्ति है, जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो हमारी अंदर की ऊर्जा है, उसको अगर हम संतुलन में ले आएं बच्चों की और उसको सकारात्मक कर दें तो अपने आप ही ये जो जो हम बच्चों से चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, चाहे वो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके स्वभाव से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, वो सब कुछ बच्चों में हम देख सकते हैं। तो अब होता क्या है कि बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका पढ़ाई में फोकस ही नहीं होता है, उनका ध्यान केंद्रित ही नहीं होता है पढ़ाई में, उनके मन में भिन्न भिन्न तरह के विचार आते रहते हैं और जो उनकी जो स्मरण शक्ति है, जो मेमोरी है, वो भी कम हो जाती है। वो जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको याद नहीं रहता है, जिसके कारण उनका धीरे धीरे पढ़ाई से और ज़्यादा मन हटने लग जाता है। तो इसके लिए अब करना क्या है कि शिव काली बोध में मैं जो भी बात कहता हूँ मैं उसको प्रैक्टिकल कहता हूँ कि प्रैक्टिकली करें हम लोग। कि जो ज्ञान है वो तो अगर आज गूगल पे आप जाएं और जो आप यूट्यूब पे जाएं तो ज्ञान तो भरा पड़ा है, ज्ञान की कोई कमी थोड़ी है। लेकिन जो ज़्यादा अहम है वो ये बात है कि हमने उस ज्ञान के माध्यम से अपने बच्चों के जीवन में हम क्या क्या परिवर्तन लेके आ सके, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा अहम है। तो अब जो हमारे तीन चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि चक्र, और इसके अलावा हमारी जो ईड़ा नाड़ी है और जो पिंगला नाड़ी है, ये हमारे बच्चों की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। तो पहला जो चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, जो श्री गणेश जी का स्थान है, जब उसकी ऊर्जा खराब हो जाती है तो बच्चों की जो स्मरण शक्ति है, जो उनकी एकाग्रता है, जो बैठ के पढ़ने की जो उनके अंदर शक्ति है, वो सबकी सब डिस्टर्ब हो जाती है। कि हम बच्चे को बोलें तुम एक जगह बैठे रहो और बैठ के अपनी पढ़ाई करो, वो बैठ ही नहीं पाते क्योंकि उनका मूलाधार चक्र की ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। और जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है और जो नाभि चक्र है, ये कंट्रोल करता है हमारे लिवर को, और लिवर का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों की एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में। अब होता क्या है, जब हमारा इन दो चक्रों की, नाभि चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा असंतुलित होती है
तो जो हमारा लीवर है वो या तो गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है। अब जब वो गर्म होता है तो उसकी जो गर्मी है वो हमारे मस्तक पे पहुंचती है, हमारे दिमाग को गर्म कर देती है। अब जब दिमाग गर्म हो गया तो हमारे मन में विचार कैसे स्थिर होंगे? भिन्न भिन्न तरह के बच्चों के मन में विचार आते रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह से उनका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होती रहती है, उनका पढ़ाई में फोकस ही नहीं हो पाता है, उनकी एकाग्रता ही नहीं बन पाती है, तो कैसे पढ़ पाएंगे वो ठीक से? और क्या होता है जब मस्तिष्क गर्म हो जाता है, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जब वो गर्म हो जाता है तो बच्चों के अंदर गुस्सा आ जाता है, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, और हमारा ये भी एक दुख का कारण बन जाता है। हम थोड़ा सा उनको कोई बात कहते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, आपस में भी लड़ने लग जाते हैं, भाई बहन आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा दुष्चक्र है कि हम चाह के भी उसको ठीक नहीं कर पाते। तो करना क्या है, हमारे को पहले शिव काली बोध की जो साधना है उसके माध्यम से माँ काली और महादेव की कृपा से अपनी कुंडलनी को जागृत करना है, और जब उनके जागरण से हमारे इन तीनों चक्रों की जब ऊर्जा संतुलित होगी, उनकी जो नकारात्मकता है वो नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी, तो अपने आप ही बच्चों के अंदर देर तक बैठने की जो शक्ति है वो आ जाएगी, उनके अंदर उनका फोकस बढ़ जाएगा, उनके अंदर गुस्सा कम हो जाएगा, उनके अंदर एक जो उनकी स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारी ये तीनों चक्रों की ऊर्जा खराब हुई तो हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो भी गर्म हो जाती है, जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, सन चैनल कहते हैं। उसके कारण और ज़्यादा बच्चों के अंदर बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं, और ज़्यादा विचारधारा उनकी बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, और फिर से पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पाता है। और जैसे ही हमारी पिंगला नाड़ी की ऊर्जा गर्म होती है तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, जो लेफ्ट चैनल है, जिसको मून चैनल कहते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, उसकी जो एनर्जी है वो ठंडी पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, उनका जो आत्मविश्वास है वो डाउन चला जाता है। तो इतना ये दुखदायी घटना घटती है कि अंदर की ऊर्जा के असंतुलन के कारण ही बच्चे बुरी संगत में पड़ने लग जाते हैं, वो ड्रग्स लेने शुरू कर देते हैं, बच्चों के अंदर सुसाइड करने का एक विचार आने लग जाता है जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आज आप देखें तो डिप्रेशन की बीमारी तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए हमारे को बच्चों को आध्यात्मिक जीवन शैली व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और आप एक चीज़ और देखेंगे, जब परीक्षाएँ आती हैं तो बच्चों के अंदर एक एंग्जाइटी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है उनके अंदर। उसका कारण होता है कि जो हमारे हृदय चक्र है उसकी जो ऊर्जा है वो खराब हो जाती है। तो जैसे ही मेरे पास ऐसे कई बच्चे आए हैं, जब उन्होंने साधना करी और उसके माध्यम से उनका हृदय चक्र ठीक हुआ, तो जब उनकी परीक्षा अगली बार आई तो उन्होंने खुद आके बोला कि इस बार हमारे अंदर वो जो घबराहट थी वो आई नहीं। अब माँ बाप क्या करते हैं, जब ये घबराहट बच्चों के अंदर परीक्षाओं से पहले आती है तो जाके उनको होम्योपैथी की मेडिसिन या कोई ऐसी दवाई लाके देते हैं कि इससे तुम खा लो तो तुम्हारे को घबराहट नहीं होगी। लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है कि हृदय की चक्र की जो ऊर्जा है उसको ठीक किया जाए। और जैसे ही हृदय चक्र की ऊर्जा ठीक होती है तो जो श्री राम जी की मर्यादा बच्चों के अंदर स्थापित होती है तो उनको ये समझ में आ जाता है कि हमें बड़ों का आदर करना है, बड़ों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और जो उनके बराबर के बच्चे हैं उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब मर्यादा उनके अंदर अपने आप स्थापित हो जाती है। अब हम उम्मीद करते हैं बच्चों से कि वो मीठा बोलें, वो गाली ना दें, वो बुरी तरह से बात ना करें, उसका कारण होता है विशुद्धि चक्र की ऊर्जा खराब होना, जो हमारा पाँचवा चक्र है। तो जब हमारे पाँचवें चक्र की, जहाँ श्री कृष्ण जी की एनर्जी एक्टिव है, सक्रिय है, जब वो ठीक हो जाती है तो बच्चों में अपने आप मिठास आ जाती है, वो बुरे वचन बोल ही नहीं सकते हैं, वो कोई बुरा काम कर ही नहीं सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसकी ऊर्जा का सही होना कितना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम स्वयं दोषी हैं
क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जो अध्यात्म है उसको फैशन परस्त ही नहीं बनाया। हमें ये बच्चों को बताना पड़ेगा कि अध्यात्म भी फैशनेबल है, साधना करना भी फैशनेबल है, ध्यान करना भी फैशनेबल है, और उनको इसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए साधना करो। हम ऐसा ना सोचे कि जब बड़े होंगे तो वो अध्यात्म में चले जाएंगे, वो पूजा पाठ कर लेंगे, बहुत देर हो जाएगी तब तक। और देखिए कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो सिख धर्म है, जो हिंदू धर्म से ही निकला है, उसमें बच्चों को बचपन से ही धर्म के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बचपन से ही उनको सेवा भाव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और हम जो हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, हम सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे तो धर्म के बारे में इनको सिखा देंगे या सीख लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। अभी से उनको सिखाएं, अभी से साधना सिखाएं, अभी से शिव काली बोध पद्धति सिखाएं, उनकी आंतरिक ऊर्जा का शुद्धिकरण करें, तो जैसे जैसे माँ काली और महादेव की कृपा से उनका मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और हृदय चक्र और आज्ञा चक्र की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, हम जो जो उनसे चाहते हैं हम वैसे वैसे उनसे कार्य करा सकते हैं। उनकी जो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, उनका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा और जीवन में वो बहुत आगे पहुंच जाएंगे, जिससे हमें बहुत प्रसन्नता मिल सकती है। तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही हमें बच्चों को समझाना चाहिए। तो यही मेरा आपके प्रति ये मैसेज है कि हम बच्चों को आध्यात्मिकता के लिए प्रेरित करें ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। आप सबको मेरी तरफ से ओम काली।